जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जर्नल किस तरीके से बनाया जाता है, हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए। अब थोड़ा इस पीपीटी से देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। आपको अपना ऑडियो ऑन रखना है क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे बोला हुआ है सूरज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर। तो आपको अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो 1 अप्रैल का, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन लिया था जिसमें बताया था बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एक तो कैपिटल अकाउंट आएगा क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, और दूसरा यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रहा है। तो दो अकाउंट बनेंगे हमारे, एक तो कैश अकाउंट बन रहा है और दूसरा कैपिटल अकाउंट बन रहा है। कैश अकाउंट के लिए आपको रूल अप्लाई करना होता है रियल अकाउंट, बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और दूसरा बिजनेस का ओनर जो है बिजनेस में अमाउंट ला रहा है, तो ओनर इज द गिवर, तो उसके लिए हमको क्रेडिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं, इस तरीके से आपको बनाना है जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन का आंसर देख सकते हो, अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट ₹1,50,000 डेबिट में लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट ₹1,50,000। ये वही ट्रांजेक्शन है जो थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन, अच्छा मैंने आपको बताया था कि सभी ट्रांजेक्शन का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना होता है उसके नीचे ब्रैकेट में, जिसको नरेशन बोलेंगे। तो यहां लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन की ओर जा रहे हैं, 1 अप्रैल को ही सेकंड ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। मनीषा से हमने गुड्स परचेस किया, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा क्योंकि गुड्स जब भी परचेस करो तो एक अकाउंट बनता है परचेस अकाउंट। अब देखो ट्रांजेक्शन में नाम दिया हुआ है पर कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि हमने कैश दिया मनीषा को, मतलब ये हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट पर खरीदा हुआ है। तो मनीषा इज द गिवर ऑफ दिस गुड्स, और मनीषा एक पर्सन है तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर। तो हमारा यहाँ पे सिंपल एंट्री बन रहा है परचेस अकाउंट डेबिट ₹36,000 टू मनीषा ₹36,000। रीजन क्या है, परचेस इज द एक्सपेंस ऑन गुड्स, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड तो उसको डेबिट करना है। और मनीषा जो है सी इज द गिवर ऑफ गुड्स, सी इज द क्रेडिटर, तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा और हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह का ट्रांजेक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। तो सेकंड ट्रांजेक्शन का आपको यहाँ पे एंट्री दिख रहा होगा स्क्रीन पे, परचेस अकाउंट डेबिट ₹36,000 टू मनीषा अकाउंट ₹36,000। देखो जब आप डेबिट करते हो तो डेबिट में अमाउंट लिखना है, क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट में अमाउंट लिखना है, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, और इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअलिटी एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। और ब्रैकेट में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देना है कि गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, और एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और वो लाइन खाली पर्टिकुलर्स में आएगा, सभी जगह पे नहीं, खाली पर्टिकुलर्स के नीचे एक लाइन आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस प्लीज, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, सुनाई दे रहा। ओके गुड गुड। अच्छा डाउट हो तो मुझे बीच में रोक लेना। चलो ओके सर। थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। 1 अप्रैल को थर्ड ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें लिखा है स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश ₹2,200। अब देखो ये भी परचेस है, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन भी परचेस था, दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट
फर्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है, सॉरी सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, सेकंड में भी परचेस है, थर्ड में भी परचेस है। सेकंड में आपने गुड्स परचेस किया था, जबकि थर्ड वाले में आप स्टेशनरी परचेस कर रहे हो। तो देखो, जब गुड्स परचेस करो तो एक अकाउंट बनेगा परचेस अकाउंट, पर जब आप कोई स्टेशनरी जैसा आइटम खरीदते हो कि जो हमारा गुड्स नहीं है, जो हम सेल नहीं करने वाले हैं, हमारे बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, तो एक एक्सपेंस ही हुआ, पर ये होगा स्टेशनरी एक्सपेंस। यहाँ पे आप परचेस अकाउंट नहीं लिख सकते। परचेस अकाउंट यू कैन राइट ओनली फॉर द गुड्स इन विच यू आर डीलिंग। तो यहाँ पे आपको परचेस की जगह पे एक अकाउंट मिलेगा, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। और बहुत क्लियरली बोला है कैश में परचेस किया है, तो डेफिनेटली बिजनेस से कैश जाएगा, तो रूल ऑफ रियल अकाउंट अप्लाई होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री यहां पे बनेगी स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2200 टू कैश अकाउंट 2200। बोलो, इस ट्रांजेक्शन को समझ में आ रहा है? एंट्री क्या बनेगी? स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या तो खाली स्टेशनरी लिखो तो भी चलेगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना है परचेस ऑफ स्टेशनरी। यहां पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई, ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि स्टेशनरी परचेस करते हैं तो भी परचेस अकाउंट लिख देते हैं डेबिट में, तो गलत होगा। परचेस अकाउंट आपको तभी लिखना है जब आप गुड्स परचेस करते हो। ओके, तो ये थ्री ट्रांजेक्शंस हमारे हुए जो अभी एक्सरसाइज दिया मैंने आपको उसमें। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ ट्रांजेक्शन, जो आपको डेट दिया है 2 अप्रैल 2017। ट्रांजेक्शन में बताया है ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35,000। SBI में हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाया और वहां पे 35,000 रुपीज दिए SBI को। तो याद रखो, SBI एक पर्सन है, एक बैंक जो होता है, कोई भी बैंक जो होता है वो पर्सन की कैटेगरी में आता है, बिकॉज दे आर द आर्टिफिशियल पर्सन। सो हमने 35,000 रुपीज दिया है तो SBI ने रिसीव किया, इसका मतलब ये हुआ, और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। हमने 35,000 रुपीज कैश दिया और SBI में वो पैसा जा रहा है। तो पहले तो दो अकाउंट की बात करेंगे, तो एक तो हमारा SBI अकाउंट बन रहा है और दूसरा हमारा कैश अकाउंट बन रहा है। कैश अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि हम कैश दे रहे हैं SBI को, और दूसरा बैंक अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि बैंक रिसीवर है यहाँ पे। अब रूल्स की बात करते हैं। एक तो बैंक अकाउंट है और बैंक इज रिसीवर हियर, बैंक अवर मनी इज रिसीविंग। तो जब भी पर्सन आएगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप यहाँ पे सोचो, SBI बैंक रिसीवर है या गिवर है? तो SBI बैंक रिसीवर है, हमारे मनी वो रिसीव कर रही है, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और 35,000 रुपीज का कैश हम दे रहे हैं, तो कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, कैश एक असेट है, तो उसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अब हमारा फाइनल आंसर ऐसा बनेगा फोर्थ एंट्री के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश 35,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहां लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश 35,000। बोलो, एनी डाउट इन दिस? आर यू गेटिंग? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू कीजिए। वेरी गुड। ओके, नाउ सी द फिफ्थ ट्रांजेक्शन, जो भी 2 अप्रैल को दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। हमने प्रिया को 16,000 का माल सेल किया। जब नाम दिया हो और कोई कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने क्रेडिट में सेल्स किया, उधार माल बेचा हुआ है। एंड हियर प्रिया इज द रिसीवर ऑफ अवर गुड्स, सी हैज रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम अस,
और प्रिया एक पर्सन है तो रिसीवर का रूल अप्लाई होगा, और रूल ऑफ पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर, तो प्रिया इज द रिसीवर, दैट्स व्हाई प्रिया अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब भी नाम आता है तो आपको पर्सनल अकाउंट अप्लाई करना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अकाउंट बन रहा है गुड्स का, हमने गुड्स सेल किया, जब भी आप गुड्स को सेल करो तो आपका अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट, बिक्री हुई है यहाँ पे तो आपको सेल्स अकाउंट बनेगा, और जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो आपकी एक असेट जिसको गुड्स बोलेंगे वो गुड्स आपके बिजनेस से जाएगा, आप कस्टमर को गुड्स दे रहे हो तो सेल्स में आपका गुड्स जा रहा है। या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सेल्स इज वन टाइप ऑफ रेवेन्यू, हम जो माल बेचते हैं सेल्स करते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू हुआ, एंड ऑल रेवेन्यू शुड बी क्रेडिटेड। तो सेल्स के लिए आपको नॉमिनल का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सेल्स करोगे, जब भी आप गुड्स सेल करोगे तो आपको इनकम जनरेट होगी, आपको इनकम मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, तो सेल्स इज वन टाइप ऑफ इनकम, तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये रियल का रूल है, पहले वाला पर्सनल का था, और थर्ड वाला है नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे हमको गेन हो रहा है, इनकम हो रही है 16,000 की बिकॉज ऑफ सेल्स, तो सेल्स को क्रेडिट करोगे। तो फाइनली हमारा आंसर बन रहा है प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रिया इज द रिसीवर सो डेबिटेड, सी इज द डेटर ऑफ बिजनेस, हमने उसको उधार माल बेचा है तो वो हमारी एक डेटर हो गई, टू सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट करना है। तो आप नेक्स्ट एंट्री जो पास करोगे वो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, सेकंड एंट्री है यहाँ स्क्रीन पे, प्रिया अकाउंट डेबिट बिकॉज सी इज द रिसीवर, पर्सनल का रूल अप्लाई किया, टू सेल्स अकाउंट 16,000 क्रेडिट, यहाँ पे हमने नॉमिनल का रूल अप्लाई किया, तो पहले वाले में पर्सनल का, प्रिया में, और सेल्स में नॉमिनल का, सेल्स इज द रेवेन्यू सो इट इज क्रेडिटेड, और ब्रैकेट में आपने बता दिया गुड सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया, हमको चेक मिला है मतलब चेक का अमाउंट जो है बैंक में जाएगा और देने वाला प्रिया है, तो एक प्रिया का अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे दो अकाउंट, एक तो बनेगा बैंक अकाउंट और दूसरा प्रिया अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए रूल बनेगा क्योंकि अमाउंट जो है वो बैंक में जाएगी, चेक मिला है इसलिए। तो हमने जो SBI में अकाउंट ओपन करवाया था उस अकाउंट में हमारा चेक जमा हो जाएगा, तो हमारी बैंक रिसीवर होगी यहाँ पे। या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि किसी ने आपको चेक दिया, वो आपके अकाउंट में जमा करवाओगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस एक असेट है, असेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट करना होता है एज पर द मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल से जाओगे तो बैंक इज द रिसीवर बिकॉज चेक, वट एवर चेक विल कम दैट वी विल डिपोजिट इन अवर बैंक, सो बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, दोनों तरीके से डेबिट ही होगा बैंक। देने वाला कौन है, तो देने वाला प्रिया है, प्रिया एक पर्सन है तो पर्सनल का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हियर प्रिया इज द गिवर सो उसको क्रेडिट करेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 टू प्रिया अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट 16,000। तो आप देख सकते हो यहां पे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो
बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, एंड प्रिया इज द गिवर सो प्रिया अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग? ओके चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखोगे जो आपको 5 अप्रैल का दिया हुआ है, 5 अप्रैल सोल गुड्स टू निधि 14,000, निधि को हमने गुड सेल किया। पी वाला ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल जैसा ही है, जैसे प्रिया को सेल किया था इसी तरह से निधि को सेल किया है यहाँ पे, तो खाली नाम बदलने का, प्रिया की जगह सेल्स आ जाएगा, सॉरी प्रिया की जगह निधि आ जाएगा, और सेल्स तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा क्योंकि सेल्स एक रेवेन्यू है। देखो एक बात याद रखो, परचेस करोगे गुड्स तो एक्सपेंस है, तो परचेस ऑलवेज डेबिट ही होगा। अगर गुड्स सेल करोगे तो सेल्स से हमें रेवेन्यू होगी, इसलिए सेल्स ऑलवेज क्रेडिट ही होगा, ये माइंड में फिक्स कर लो। जब भी परचेस करोगे गुड्स तो परचेस डेबिट करना है, और जब भी गुड्स सेल करते हो तो सेल्स को क्रेडिट करना है। तो ये बहुत सारे सिंपल से रूल्स हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो एंट्री इस तरीके से बनेगी, आप देख सकते हो 5 अप्रैल में निधि अकाउंट डेबिट 14,000 टू सेल्स, निधि टू सेल्स 14,000 लिखा हुआ है, बिकॉज निधि इज द रिसीवर ऑफ गुड एंड सेल्स इज अवर रेवेन्यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब हम देख रहे हैं 8 फेब्रुआरी, 8 अप्रैल 8 अप्रैल। अब 8 अप्रैल को आप देखो क्या लिखा है, निधि पेस 14,000 कैश, निधि को हमने माल बेचा था वो हमको 14,000 कैश दे रही है। तो आप सोचो इस ट्रांजेक्शन में निधि ने हमको पे किया, तो एक तो निधि अकाउंट बनेगा, सी इज द गिवर और क्रेडिट करेगी उसको, बिकॉज क्रेडिट द गिवर का रूल है, और वो 14,000 का कैश दे रही है, तो कैश कम्स इन द बिजनेस। कैश के लिए आपको ऑलवेज रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, खाली इतना सोचना है कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन द बिजनेस, तो उसको डेबिट करोगे आप, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू निधि अकाउंट 14,000, बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस एंड निधि इज द गिवर सो सी इज क्रेडिटेड। तो उसका एंट्री आप देख लो। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी, यू कैन सी अप्रैल 8 इज रिटर्न, कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू निधि अकाउंट 14,000। तो अगर आपको ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल अच्छी तरीके से बाय हार्ट है तो आप ये जर्नल एंट्री इजीली कर पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। खाली पर्सनल रियल और नॉमिनल के रूल याद रखने हैं और उसको अप्लाई करना है। चलो अब हम बात करेंगे 10 अप्रैल, 10 अप्रैल में आप देखो क्या लिखा हुआ है, परचेस गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। बहुत क्लियरली बोला है क्रेडिट में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है मतलब हमने पेमेंट नहीं किया होगा,
तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में रितु को, रितु हमारी क्रेडिटर हो जाएगी। तो एक तो अकाउंट बनेगा रितु, दूसरा हमने गुड्स परचेस किया है, मैंने अभी आपको बताया वेन एवर यू परचेस गुड्स वन अकाउंट इज परचेस अकाउंट। तो दो अकाउंट बन जाते हैं, एक तो परचेस अकाउंट बन रहा है, दूसरा रितु का अकाउंट बन रहा है। अब आपको सोचना है क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। तो परचेस इज ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज परचेस इज एक्सपेंस बिहाइंड गुड्स एंड ऑल एक्सपेंस वी डेबिट एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे अप्रैल 10 में लिखा है परचेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू रितु अकाउंट। परचेस हमने डेबिट किया बिकॉज इट एक्सपेंस एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस। रितु को हमने क्रेडिट किया बिकॉज रितु इज द गिवर ऑफ गुड्स, सी हैज गिवन दिस गुड्स टू अस, सी इज अवर क्रेडिटर एंड दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं जो आपको दिया है 14 अप्रैल का। 14 अप्रैल के ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000। अब आपने इंश्योरेंस पे किया मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया होगा, और इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करोगे तो ये एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस जब भी आता है तो आपको नॉमिनल अकाउंट याद आना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है सभी एक्सपेंस को डेबिट करो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस हुआ तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। अच्छा चेक से पेमेंट किया है, कैश नहीं दिया है चेक दिया है, तो हमने चेक दिया है मतलब हमारे लिए हमारी बैंक पेमेंट करेगी, तो बैंक इज द गिवर, बैंक इज अ वन पर्सन अकाउंट, तो बैंक इज द गिवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर। आप मॉडर्न के रूल से जाओगे तो बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाएगा, आप चेक दोगे तो बैंक का बैलेंस आपका कम होगा, बैंक बैलेंस कम होता है मतलब असेट कम हो रही है, और असेट कम होगी तो क्रेडिट होगा, असेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, दोनों तरीके से आंसर वही रहेगा, आप कोई भी रूल अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू चेक मतलब टू बैंक। लास्ट ट्रांजेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें क्लियरली लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने डेबिट इसलिए किया बिकॉज इट इज एक्सपेंस टू बैंक, बैंक हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमने चेक दिया है तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस एक असेट है, असेट कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। या तो आप पर्सनल के रूल से जाओ तो बैंक इज द गिवर, और गिवर के लिए रूल है क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करने हैं और जर्नल एंट्री पास करना है। आ रहा है समझ में? काइंडली प्लीज रिप्लाई, जवाब दो प्लीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे रोक सकते हो बीच में बोल के। चलो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर हम जा रहे हैं, पेड रेंट 2,000, रेंट पे किया 2,000 रुपया। तो चलो रेंट पे किया तो डेफिनेटली हमारा एक्सपेंस ही है और एक्सपेंस डेबिट करना है। आजू बाजू में कुछ भी नहीं लिखा है मतलब हमने कैश पे किया होगा, 2,000 रुपया कैश दिया होगा तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आपकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। सेकंड एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश, वो इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो दूसरी बार प्रिंट हो गया है, रेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस। ओके नेक्स्ट वन, अब बात करेंगे हम 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल में लिखा हुआ है
गुड्स कॉस्टिंग 1500 गिवन एज चैरिटी। तो बहुत बार हम चैरिटी में डोनेशन देते हैं, तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया है, बदले गुड्स दे दिया है। चैरिटी में ये लोगों ने 1500 रुपये का गुड्स दे दिया है। जब भी आप चैरिटी में कुछ देते हो तो वो आपका एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस बन रहा है चैरिटी अकाउंट, और इन्होंने गुड्स दिया है, तो जो परचेस किया होगा उस परचेस में से इतना गुड्स कम हो जाएगा। हमने जो भी माल परचेस किया था स्टार्टिंग में, उसमें से हमारा इतना गुड्स कम हो गया, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है। जब आप कुछ खरीदोगे तो परचेस करोगे तो परचेस डेबिट होगा, पर वही आप जब किसी को दे दोगे तो उसको सेल्स बोलेंगे, सेल्स क्रेडिट होगा। पर यहाँ सेल्स नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम चैरिटी में दे रहे हैं, तो आपका जो परचेस किया डेबिट अमाउंट है वो थोड़ा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स कम हो रहा है, गुड्स गो आउट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एक्सपेंस, चैरिटी अकाउंट डेबिट, या तो चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट भी आप लिख सकते हो, टू परचेस। आपने कैश नहीं दिया है, कैश दिया होता तो आप ऐसे लिखते चैरिटी अकाउंट टू कैश, पर यहां तो हमने गुड्स दिया है इसलिए लिखना है चैरिटी अकाउंट टू परचेस। तो हम इसका एंट्री देखेंगे, तो आप देख सकते हो थर्ड एंट्री लिखा है चैरिटी अकाउंट डेबिट 1500 टू परचेस। यहाँ परचेस फर्स्ट टाइम क्रेडिट हुआ, अभी तक हम परचेस को डेबिट ही करते थे। इसको इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि हमने जो परचेस किया हुआ माल है वो हमने चैरिटी में दे दिया, तो गुड्स गो आउट ऑफ बिजनेस, दैट्स व्हाई परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। हम यहाँ पे सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू नहीं है। सेल्स लिखते हो तो उसका मतलब होगा कि आपको कोई रेवेन्यू मिला, इनकम हुई, नहीं, यहाँ इनकम नहीं हो रही है। यहाँ हमने जो खरीदा हुआ गुड्स है वो हमारा एक्सपेंस में चला गया, चैरिटी एक्सपेंस में, इसलिए आप परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। बता रहे हो बुक्स में कि परचेस तो माल किया पर इतना कम हो गया बिकॉज ऑफ द चैरिटी। नेक्स्ट वन, फर्नीचर, फर्निश्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200 परचेस। ऑफिस का फर्नीचर आपने खरीदा 11,200 का। चलो यहाँ पे आपको थोड़ा ऑडियो ऑन करना पड़ेगा मुझे, आप बताओ यहाँ पे हम गुड्स खरीद रहे हैं या असेट, बताओ क्या हम यहाँ गुड्स खरीद रहे हैं या असेट खरीद रहे हैं? क्या खरीद रहे सेट या असेट खरीद रहे? असेट वेरी गुड। तो याद रखो जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट करना है, पर जब आप कोई असेट खरीदोगे तो आपकी बिजनेस की असेट बढ़ेगी, और जब बिजनेस की असेट बढ़ेगी तो उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में ऑफिस फर्नीचर बढ़ेगा तो आप ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करोगे। ऑफिस फर्नीचर एक असेट है और असेट में रियल अकाउंट का रूल आएगा, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर कमिंग इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड। साइड में लिखा हुआ है कि 11,200 रुपया दिया, आजू बाजू में चेक वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब हमने कैश पे किया, तो हमारे बिजनेस का कैश कम होगा। कैश अकाउंट में भी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे दोनों रियल अकाउंट के रूल अप्लाई हो रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर के लिए रियल अकाउंट का डेबिट वाला रूल अप्लाई हो रहा है, और कैश के लिए रियल अकाउंट का क्रेडिट वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो एंट्री बनेगी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप देख सकते हो एंट्री लिखा हुआ है अप्रैल 24 में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और ब्रैकेट में बता देना है कि परचेस ऑफिस फर्नीचर। और पर्टिकुलर्स में आपको लाइन ड्रॉ करना भूलना नहीं है, अगर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी तो एक एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो ताकि वो अच्छा दिखे। इसका पर्पस यही है कि दो एंट्री सेपरेट करने के लिए लाइन दिया गया है, पर ये लाइन सब जगह पे नहीं ड्रॉ करना है, आपको खाली पर्टिकुलर्स में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन,
29 अप्रैल का एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, कैश विड्रॉन फॉर हाउसहोल्ड पर्पस ₹5,000, घर के लिए घर का जो ओनर है ₹5,000 बिजनेस से ले गया हाउसहोल्ड पर्पस। अब जब भी ओनर घर के लिए पैसे ले जाता है, अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ लाता है, असेट्स लाता है या कैश लाता है, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। पर जब ओनर बिजनेस में से कुछ ले जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। और ड्रॉइंग में भी आप पर्सनल का रूल अप्लाई कर सकते हो, जैसे कैपिटल में पर्सनल का रूल आता है, ड्रॉइंग में भी आप पर्सनल का रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ₹5,000 कैश बिजनेस से जा रहा है, ओनर ले रहा है बिजनेस में से जा रहा है। याद रखो, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर नॉट सेम पर्सन, बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस का ओनर और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ओनर एक नेचुरल पर्सन है। दोनों को अलग अलग आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। तो यहां पे हम बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि ओनर के लिए। हम जो भी एंट्रीज पास कर रहे हैं वो बिजनेस को ध्यान में रख के कर रहे हैं, ओनर को हम ध्यान में नहीं रख रहे। तो यहां पे हमारा बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश मतलब असेट, तो रियल अकाउंट का रूल बनेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे आप। और ओनर ले रहा है, तो ओनर के लिए मैंने अभी आपको बताया ड्रॉइंग अकाउंट होगा, डेबिट द रिसीवर, ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इसकी एंट्री हम देखेंगे, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नीचे से थर्ड एंट्री दिया हुआ है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश, ब्रैकेट में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है, विड्रोवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर। तो अब आपको दो चीज यहां पे समझ में आई होगी। जब हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री की थी, तो वहां पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में, स्क्रीन पे बता रहा हूं मैं, क्योंकि बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश ला रहा है, तो कैश टू कैपिटल हुआ। जबकि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसा ले जा रहा है, तो एंट्री ड्रॉइंग टू कैश होगा। कुछ लोग कैपिटल टू कैश भी लिखते हैं, पर अकाउंटिंग में एक वर्ड है बिजनेस के ओनर के विड्रॉवल के लिए ड्रॉइंग, तो बेटर यही होगा कि आप ड्रॉइंग टू कैश लिखो। चलो नेक्स्ट वन, 30 अप्रैल का एक ट्रांजेक्शन दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ₹1,200, ₹1,200 हमको इंटरेस्ट मिला। तो देखो यहां बहुत क्लियरली दिया हुआ है, कैश आ रहा है, ₹1,200 बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश कम्स इन द बिजनेस, रियल अकाउंट का रूल, कैश कम्स इन द बिजनेस, तो उसको डेबिट करोगे। किस चीज का आ रहा है? तो इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम हुई। और जब भी इनकम की बात हो, एक्सपेंस की बात हो, तो डायरेक्टली नॉमिनल अकाउंट पे चला जाना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो दिस इंटरेस्ट इज द इनकम एंड दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। तो यहां पे आपकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट ₹1,200, ₹1,200 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,200, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। तो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सेकंड लास्ट दिया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट 1200 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1200। सो दिस इज वन टाइप ऑफ इनकम, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। देखो यहां पे है ना, अकाउंटेंसी में कैश और बैंक बार बार आता रहेगा, आपको खाली सोचना है कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, बैंक रिसीवर है कि बैंक गिवर है, एक्सपेंस हुआ है कि इनकम हुआ है। बस ये थोड़े से रूल अगर आपको आते हैं, तो अकाउंटेंसी बहुत ही सिंपल है। पूरा अकाउंटेंसी ये तीन रूल पे डिपेंड करता है, डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स है, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आपने बाय हार्ट कर लिए, तो अकाउंटेंसी इज वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर ये तीन रूल अप्लाई करना नहीं आया, तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। तो आपको ये रूल्स बाय हार्ट कर देने हैं,
आपको सोचना है कि कहां पे पर्सनल का रूल अप्लाई होगा, कहां रियल का रूल अप्लाई होगा और कहां पे नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो भी आपको दिया हुआ है कैश सेल्स 2300, 2300 का कैश में सेल्स किया। तो जब भी आप सेल्स करोगे तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा और कैश बिजनेस में आएगा, इसलिए कैश अकाउंट आप करोगे डेबिट। तो एंट्री आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कैश अकाउंट डेबिट 2300 टू सेल्स 2300। अच्छा, जब भी आपकी नोटबुक का पेज खत्म हो जाए तो टोटल करना होता है लास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल किया है और बाजू में लिखा है सी एफ। सी एफ का मतलब कैरी फॉरवर्ड, नए पेज पे ले गए। देखो पहले पेज पे 3 ट्रांजेक्शन लिखे, फिर पेज खत्म हो गया तो नीचे टोटल किया और लिखा टोटल कैरिड फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में लिखना है टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन, पिछले पेज का टोटल यहां लाए, तो वही टोटल यहां पे लिखा हुआ है जो अगले पेज में था। बाद में फिर से ये पेज खत्म हो जाता है तो फिर से टोटल करना है और नए पेज पे आपको लिखना होता है कि टोटल ब्रॉट डाउन। तो इस तरीके से हर पेज के पीछे आपको लिखना होता है। अब हम बात कर रहे हैं, अब खाली दो ही ट्रांजेक्शन बाकी है, कमीशन पेड ₹3000 बाय चेक। चलो कमीशन पे किया मतलब एक्सपेंस पे किया आपने, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा। अब याद करो एक्सपेंस डेबिट होगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट होगा 3000। चेक से दिया है इसलिए आप लिखोगे टू बैंक, बिकॉज बैंक इज द गिवर। तो आपकी एंट्री बन जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000। कमीशन इज एक्सपेंस सो डेबिटेड एंड बैंक इज द गिवर सो क्रेडिटेड। लास्ट में दिया है टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, तो टेलीफोन बिल हमारा एक्सपेंस हो गया तो एंट्री बनेगी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहां पे कैश दिया है चेक नहीं दिया है। मतलब आपको याद रखना है कि एक्सपेंस डेबिट हो गए, जितने भी एक्सपेंस हो गए वो डेबिट हो गए और कोई भी इनकम है तो वो क्रेडिट होगी। लास्ट वन पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, 12000 का सैलरी पे किया तो सैलरी एक्सपेंस है तो डेफिनेटली सैलरी को हम डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से जर्नल समझ में आया होगा। जितना आप इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। Am I audible to all of you? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे जर्नल की और बाद में आगे का जो टॉपिक है हमारा उसके ऊपर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक नई बुक है हमारी, जिस बुक का नाम है लेजर बुक, तो लेजर के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास से जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर।